मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स में पिछड़ी दलित जातियों एवं महिलाओं के संदर्भ में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर अयोध्या के संत प्रमंस ने मंत्री चंद्रशेखर की जीवा काट कर लाने वालों को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं संत प्रमंस द्वारा दिए गए इस बयान की हर ओर निंदा की जा रही है और इसी कड़ी में रविवार को युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पर संत प्रमंस का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की प्रतियां जलाई गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर आनंद आचार्य और भागलपुर जिला मूल निवासी संघ के अध्यक्ष सेवानिवृत्त टीएसपी विष्णु रजक ने संयुक्त रूप से संत प्रमंस का पुतला जलाया। वहीं इसको लेकर युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पूजनीय और वंदनीय बताया है, जबकि उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें महिलाओं एवं बहुजनों के खिलाफ कुछ बातें हैं उसका विरोध किया है। साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा करके कुछ भी गलत नहीं किया है और वो सभी बहुजन समाज के लोग पूरी मजबूती से प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। इधर छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि केंद्र की सत्ता पर संविधान, लोकतंत्र, अमन एवं मानवता विरोधी मनुवादी ताकतों का कब्जा है, जबकि इन लोगों के द्वारा भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त कर आरएसएस के सपनों का भाषा में सुनियोजित साजिश की जा रही है। चीजों को अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो इसमें पाइएगा कि इनमें जो चीजें वर्णित है वह कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, गैर बराबरी को बढ़ावा देता है, सामाजिक विषमता को बढ़ावा देता है। यह जो है समाज के एक वर्ग विशेष को विशेषाधिकार देने की बात करता है तथा समाज के अन्य लोगों को जो है वह अधिकार से वंचित करने की बात करता है। इसी तरीके की बात रामचरित मानस के कुछ अंश में कही गई है। इन्हीं चीजों का विरोध जब पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने किया था तो उसके बाद मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा लगातार उन पर हमला किया जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आप देखे होंगे कि अयोध्या के एक संत हैं, उनके द्वारा यह घोषणा कर दिया गया, बिल्कुल आतंकी की तरह फतवा जारी किया गया है, जो कोई भी उसका जिह्वा काट करके लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। जिस तरह से देश में मनुवादी हॉबी होते जा रहा है, रामचरित्र मानस का जो ये लोग खेल खेल रहा है, आज एक अयोध्या के जो ढोंगी पंडित है संत परमहंस, जिन्होंने शिक्षा बिहार के जो शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर यादव जी का जो बयान था उस पर जो उन्होंने इनाम रखने का काम किया है, 10 करोड़ जो उसका जीवा काटेगा 10 करोड़ के इनाम देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ छात्र राजद की तरफ से, ए ढोंगी बाबा अपने आप को संभाल लो, ये जो रामचरित मानस का ढोंग रच रहे उसको यथाशक्ति बंद करो, नहीं तो यार पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और मनुवादी जो आप चला रहे हैं देश में नहीं चलने देंगे हम। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान विभाग अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग पटना की ओर से शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जारी किए गए इस आदेश में किसान भाइयों के लिए विशेष सावधानी की बात कही गई है, जिसमें शीतलहर का प्रभाव खेतों में लगी फसल पर पड़ने की संभावना को देखते हुए कई सुझाव भी कृषि विज्ञानियों द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में दिन का औसत तापमान 20 से 25 रहने और रात का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिन तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाएगा, जबकि तेज बर्फीली हवाओं के कारण मौसम में कनकनी बढ़ सकती है। वहीं फसल में पाला पानी की भी संभावना है और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक जाने की संभावना को देखते हुए किसानों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, खासकर आलू, टमाटर और बड़े पत्तों वाले फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी किए गए अलर्ट में ठंड से बचाव के लिए पशुधन को भी ढककर और आग के आसपास रखने की बात कही गई है। सुल्तानगंज में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 11 फरवरी को होने वाले लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ लेने की बात कही गई। इस दौरान लोक अदालत में हिस्सा लेकर अपने सुलहानी लंबित मामलों का निष्पादन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारियों ने बैठक कर लोगों को लोक अदालत से होने वाले लाभ की जानकारी, इसके अलावा लोक अदालत के दौरान जरूरी कागजातों के बारे में लोगों को बताया गया, जिससे लंबे समय से चल रहे सुलहानी मामलों का निपटारा हो सके।
भागलपुर नागरिक विकास समिति के द्वारा रविवार को वर्ष 2023 की पहली आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर पूर्व में मनोनीत हो चुके जियाउर रहमान को एक बार फिर से समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान समिति के सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से जियाउर रहमान को अध्यक्ष चुना। वही बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा कर विगत और वर्तमान वर्ष के कार्यक्रम और आयोजनों को लेकर विस्तार वर्तमान कार्यकाल पूरा हो गया था, उसको सवा वर्ष के लिए पुनः नागरिक विकास समिति के जियाउर रहमान साहब अध्यक्ष चुने गए हैं। जियाउर रहमान भाई साहब को भी मेरा नमस्कार। जिम्मेवारी उनको दी गई है और 24 में फिर से आम सभा होगा और फिर कार्यकाल सवा वर्षों के बाद। वसंत पंचमी आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसको लेकर मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं, जबकि मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने वाले श्रद्धालु भी मूर्तियों का ऑर्डर दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर एक मूर्तिकार ने बताया कि वह 1984 से मूर्ति बनाने के पेशे से जुड़े हुए हैं और पहले 5 से 10 की संख्या में वे मूर्ति बनाते थे, जबकि समय के साथ यह सिलसिला बढ़ता गया और अब 40 से 45 मूर्ति बनाते हैं। मूर्तिकार का कहना है कि इस काम के लिए 1 से 1.5 माह पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है और इसके लिए जरूरी सामानों का इंतजाम करने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। साथ ही बताया कि एक मूर्ति की लागत करीब 1500 रुपये होती है, लेकिन उसकी बिक्री में अधिक मुनाफा नहीं हो पाता है। कम से कम 84 से चल रहा है। आप ही बनाते हैं? प्रत्येक साल कितना मूर्ति मतलब यहाँ से सेल होता है? 40 से 45। कितना दिन पहले से काम करते हैं? पहले तो वही 84 से करते थे, तो 2-4, 5-10 बनाते थे। उसके बाद धीरे 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 बढ़ाते तब आप 40-45 को लगभग बनाते हैं। अगले साल तो इतना कम नहीं बनाया है लॉकडाउन के कारण। खादी ग्राम उद्योग प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोविंद ठाकुर की 109वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता मुकेश ठाकुर ने की। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोविंद ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया। पूर्व विधायक परिंद चौधरी और पूर्व विराट समेत राजद कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोविंद ठाकुर के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि युवा काल से ही वे देश के प्रति समर्पित और संघर्षरत रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब गोविंद ठाकुर पैदल चलते हुए उनके घर जाकर मिलते थे और आम जनता की समस्याओं को लेकर अपनी बात भी रखते थे।
मौके पर अरविंद यादव, मेरहटी मुखिया अशोक यादव, दिवाकर मंडल, धीरेन्द्र यादव सहित राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज उनका 109वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 1915 में, 15 जनवरी 1915 में वो इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे। लगातार हम लोग चुके उनके साथ कुछ दिन काम करने का अवसर मिला, जिनके घर पर हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर पांव पैदल चल के, चूँकि उसके यहाँ गाड़ी जाने की रास्ता नहीं थी, इनके घर पे आते थे। वो इतने मजबूत लीडर थे स्वर्गीय गोविंद ठाकुर, स्वतंत्रता सेनानी। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नया टोला नूरपुर पंचायत भवन के समीप निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व मुखिया आशा देवी के द्वारा सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच की। वहीं शिविर में जनरल फिजिशियन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक ने लोगों की जाँच कर जरूरी सुझाव दिया। वही डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया की आम लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का शिविर लगाया जाता है, जिसमें आँख की देखभाल करने के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी कई सावधानियों के बारे में बताया गया।